कि जापान बुद्ध की विचारधारा को मानता है, चीन, थाईलैंड, बर्मा, लंका, लगभग भारत, दुनिया के 60 से ज़्यादा देश बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। और ये देश कौन से हैं? ये देश वो है जहाँ कभी बुद्ध नहीं गए, बुद्ध का आगमन वहाँ कभी नहीं हुआ। वह लोग बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, बुद्ध की संस्कृति को मानते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं मानते। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपने जापान का नाम सुना है, सुना ही होगा, गूगल पर सब कुछ है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जापान की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश से कम है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उससे कम जापान की आबादी है, अर्थात भारत के एक राज्य से भी कम आबादी जापान की है। और जापान 1942 को जो विश्व युद्ध हुआ था दुनिया में, तो उस पर परमाणु बमों की वर्षा हुई थी, और परमाणु बमों की वर्षा के कारण जापान तहस नहस हो गया था, तबाह हो गया था पूरा। और जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, 365 दिन में जापान में लगभग 1500 भूकंप आते हैं। इस सारी विपरीत दशाओं के बीच में आज दुनिया में टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में अगर कोई देश सबसे आगे है तो उस देश का क्या नाम है? क्यों जापान का नाम आगे है? क्यों जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी में आगे है? उसका एक ही कारण है कि वो किसी ईश्वर और भगवान को नहीं मानता है, वो केवल और केवल बुद्ध को मानता है, बुद्ध की विचारधारा को मानता है, बुद्ध के विज्ञान को मानता है, बुद्ध की मानवतावादी सोच को मानता है। इसलिए वह इंसान पैदा होता है, भारत में इंसान पैदा नहीं होता, भारत में इंसान का जन्म नहीं होता, जापान में इंसान का जन्म होता है, अमेरिका में इंसान का जन्म होता है, इंग्लैंड में इंसान का जन्म होता है, भारत में इंसान का जन्म नहीं होता, भारत में जाति का जन्म होता है। जाति का जन्म होता है और उस जाति की कोई योग्यता नहीं, सिर्फ जिस जाति में जन्मा है वही उसकी योग्यता है। और यही तो कहा बिहार के एक मंत्री ने, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने क्या कहा, यही तो कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने क्या कहा, यही तो कहा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ने ताड़ना के अधिकारी। अब चालाक लोग उसका बड़ा अच्छा काउंटर कर रहे हैं, ताड़ना का मतलब शिक्षा से है, ठोकाई पिटाई से नहीं, मारपीट से नहीं, कैसे है, शिक्षा से है। लेकिन हम लोग लल्लू हैं, भोले भाले हैं, हजारों साल से पशुओं जैसा जीवन जिए हैं। हमसे नहीं पूछा जाता कि भाई ढोल को कौन सी शिक्षा देना चाहते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाए आप ढोल के लिए, बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटी आपने भारत में ढोलों के लिए बनाई है। चलो पशुओं को कौन सी शिक्षा देना चाहते थे, कितने कॉलेज स्कूल आपने पशुओं के लिए खोले। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आयोजक साथियों ने विषय रखा हिंदू राष्ट्र। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत की 140 करोड़ की आबादी में, मेरा ये चैलेंज है, भारत की 140 करोड़ की आबादी में एक भी हिंदू नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है।
आप किसी एक हिंदू को पकड़कर अगर मेरे पास ले आए तो मैं जीवन भर तक आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा। कोई हिंदू नहीं, हिंदू भारत में है ही नहीं, हिंदू नाम का कोई बीज, हिंदू नाम की कोई चिड़िया भारत में नहीं है। आप पूछिए मोहन भागवत जी से, आप मोहन भागवत जी से पूछेंगे कि आप कौन है, तो उनका पहला जवाब होगा मैं ब्राह्मण हूं। आप दूसरा पूछ सकते कौन से ब्राह्मण हो, चतुर्वेदी हो के कुल श्रेष्ठ हो के शर्मा हो, कौन हो? उसमें कुल हो सकते हैं 1000, लेकिन वर्ण एक ही है, ब्राह्मण। आप राजनाथ से पूछिए, राजनाथ जी आप कौन है, तो वो कहेंगे मैं क्षत्रिय हूं। आप ये पूछ सकते कौन से क्षत्रिय हैं, फौजदार हैं कि चौहान हैं कि जोरदार हैं कि जवानदार हैं, जादौन हैं, ये पूछ सकते हो। आप पूछिए केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं वैश्य हूं। कौन सा वैश्य है? अग्रवाल है, गुप्ता है, महेश्वरी है, सिंगल है, 500 वैरायटी उसमें भी, लेकिन हिंदू नहीं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछिए, हेमंत सोरेन से, आप कौन हैं साहब, तो वो कहेंगे मैं आदिवासी हूं। आप बहन मायावती जी से पूछिए तो वो कहेंगी मैं शेड्यूल कास्ट हूं। तो भैया हिंदू कौन है ये तो बताओ। पहली बात, हिंदू कोई है ही नहीं। अब सवाल आता है हिंदू धर्म का, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत हमारे देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये मेरा निर्णय नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, क्या जजमेंट किया है, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब हम सारे धर्मों की बात कर लेते हैं। बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसके निर्माता हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उसकी तारीख भी है, उसकी तारीख भी है। हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो उसके निर्माता हैं परमेश्वर प्रभु ईसा मसीह। हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो उसके निर्माता हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। हम सिख धर्म की बात करते हैं तो उसके पैगंबर हैं, उसके निर्माता हैं गुरु गोविंद जी, गुरु नानक देव जी। अच्छा बताओ हिंदू धर्म का निर्माता कौन है? पूरी दुनिया में आज तक कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये बता दे कि हिंदू धर्म का वो निर्माता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शब्दों में अगर हम इसे समझते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक षड्यंत्र है इस देश के SC ST OB समाज को गुलाम बनाए रखने का। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, दुनिया का वो महान व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का जिसको ज्ञान था, जिसने संविधान को लिखा, उस महान व्यक्ति ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राजनीति है, हिंदू एक षड्यंत्र है इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने का। मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चैलेंज करेंगे क्या आप लोग? मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चैलेंज करने वाला पैदा हुआ हो, कोई पैदा नहीं हुआ। अब हम समझते हैं कि बुद्ध को भारत में लोग क्यों नहीं स्वीकार करते। सवाल ये खड़ा होता है, जब ये सवाल खड़ा होता है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमने बुद्ध को समझा है, बुद्ध के ज्ञान को नहीं समझा है। हमने बुद्ध की पूजा की है, मोमबत्ती लगाई है, अगरबत्ती लगाई है, धूप लगाया है, फूल चढ़ाए हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान हमने हासिल नहीं किया। आपसे सटा हुआ है गया, बौद्ध गया, जहां आज से
2600 वर्ष पूर्व वैशाखी की पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध को बोधि प्राप्त होती है, वो सम्वेक बुद्ध होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे सारे भिक्षु बताते हैं, हमारे सभी धम्माचार्य बताते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं जानना चाहता हूं आज तक किसी ने बताया उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान था क्या? बस उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको बोधि प्राप्त हुई थी, ये हम जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये मेरे शब्द है, ये बुद्ध के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाखी की पूर्णिमा की रात्रि को, जब उनको सम्वेक संबोधि प्राप्त हुई तो उन्होंने जाना कि संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने, कमेरा मेहनत कस ईमानदार लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ईश्वर का काल्पनिक जन्म किया है। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुजन समाज का शोषण करते हैं, ये बुद्ध ने जाना। अपने शब्दों में इसने बुद्ध को कहा, मैं उनके शब्दों में अब आपको बताता हूं बुद्ध ने क्या कहा अपने शब्दों में। मैंने ब्रह्मांड को जान लिया है, मैंने संसार को जान लिया है। और बुद्ध क्या कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, एक रास्ता है उसका। बुद्ध कहते हैं दुख है, पूरा संसार दुखी है और ये दुख का कारण क्या कहते हैं बुद्ध, कारण क्या बताते हैं बुद्ध, बताते हैं दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण एक बहुत बड़ा समाज अंधविश्वास में डुबो दिया गया है। अंधविश्वास की अफीम में उसको डुबो दिया गया है और मुट्ठी भर चालाक लोग उस अंधविश्वास का सहारा लेकर उनका शोषण करते हैं। ये बुद्ध ने खोजा, ये शायद हम लोग आज तक नहीं जान पाए। दूसरा बुद्ध ने कहा, दुनिया में दुख दो प्रकार से आते हैं, दो कारण होते हैं दुखी होने के। एक कारण होता है प्राकृतिक, कुदरत, प्राकृतिक एक कारण होता है। प्राकृति के कारण दुख भी आता है लेकिन वो दुख हमेशा नहीं आता, वो कभी कभी आता है। जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, आंधी तूफान आ जाना, ये प्राकृतिक दुख है। लेकिन ये दुख जाति और वर्ण के आधार पर नहीं आता, ये दुख अमीरी और गरीबी के आधार पर नहीं आता, ये दुख सबके लिए आता है और कभी कभी आता है। जैसे अभी कोरोना आया, ये 100 साल बाद आया। इतिहासकार बताते कि आज से 100 वर्ष पहले भी ऐसे ही एक महामारी आई थी जिसका शिकार माता सावित्रीबाई फूले हुई थी। या 100 वर्ष बाद फिर कोरोना आया, तो कोरोना जाति देखकर आया, धर्म देखकर आया, अमीरी गरीबी देखकर आया, लेकिन कोरोना ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी बुद्ध की उस बात को कि दुनिया में कोई ईश्वर और कोई भगवान नहीं है, इस बात को कोरोना ने साबित किया। बताइए 2020 में जब कोरोना आया और 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा मंदिर खुला हुआ था, कौन सी मस्जिद खुली हुई थी, कौन सा चर्च खुला हुआ था, कौन से गुरुद्वारे खुले हुए थे, कौन सा बुद्ध विहार खुला हुआ था? और जो कोरोना के शिकार हुए वो अस्पताल गए कि मंदिर गए? अस्पताल गए ना। बुद्ध ने कहा अत दीप भवो, अपना दीपक आप स्वयं बनो,
आप ही अपने दुखों का निराकरण कर सकते हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपके दुखों का निराकरण कर सके। ये बात किसने साबित की? कोरोना ने। कहां गए थे लोग? डॉक्टर के पास, कंपाउंडर के पास, केमिस्ट के पास। और जो ये दावे करते थे, जो चाहे वो खुदा वाले हो, ईश्वर वाले हो, प्रभु वाले हो, परमेश्वर वाले हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, जो कहते थे कि हमारा सीधा ऊपर वाले से कनेक्शन है, हम सीधा ही ऊपर वाले से बात करते हैं हॉटलाइन पे, वो सब भी अस्पताल की लेन में लगे थे। सैकड़ों तो मर गए उसमें से भी, अपने प्राण भी नहीं बचा पाए। मरे कि नहीं मरे? ये साबित हुआ जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था, वो कोरोना काल में साबित हुआ कि इंसान ही इंसान का भला कर सकता है, दूसरी कोई ताकत इंसान का भला नहीं कर सकती है। ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। मुझे शुगर और बीपी बहुत है तो उसकी दवाई खाता हूं, तो मेरा गला सूखता है इसलिए पानी पी रहा हूं बार बार में। आप लोग ऐसा मत सोचना कि विधायक जी पानी बहुत पी रहे थे। आज देश में लड़ाई क्या है? हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। हम क्या समझते हैं सत्ता की लड़ाई है? नहीं। अगर हम ऐसा समझते हैं कि सत्ता की लड़ाई है तो हम बड़ी गलत फहमी में हैं। आज हमारे देश में दो किस्म की लड़ाई है, दो प्रकार की लड़ाई है, दो संस्कृतियों के बीच की लड़ाई है, दो संस्कृति। एक संस्कृति है जिसको कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति, जो ईश्वरवाद चाहती है, अंधविश्वास चाहती है, वर्ण व्यवस्था चाहती है, जातवाद चाहती है, और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाए रखना चाहती है, उसको कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति। और दूसरी संस्कृति है श्रमण संस्कृति, जिसका निर्माण महाकाल तथागत गौतम बुद्ध ने किया था। श्रमण संस्कृति क्या है? श्रमण संस्कृति चाहती है मानवता, इंसान और इंसानियत, भाईचारा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर के हैं, यह श्रमण संस्कृति चाहती है। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब है फोकट का खाना, लोगों को छल कपट से डरा के खाना। जैसे डकैत लूटता है ना, तो डकैत लूटता है बंदूक दिखाकर। और ये ब्राह्मण संस्कृति के ब्राह्मणवादी लोग कैसे लूटते हैं? ये बंदूक नहीं दिखाते, ये ईश्वर की तोप दिखाते हैं, ये ईश्वर की तोप दिखा के लूटते हैं। लूटते दोनों हैं, तरीके अलग अलग हैं। डकैत बंदूक दिखा के लूटता है, ये भगवान का ईश्वर का डर दिखा के लूटते हैं। ये दोनों का झगड़ा है। पुष्पमित्र सुंग ने बौद्ध सम्राट के अंतिम उत्तराधिकारी भृदत्त की हत्या की। हत्या करने के बाद कुछ शास्त्रकारों का यह कहना है कि साहब पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि बेटा बाप का कत्ल कर देता था। पुष्पमित्र सुंग सेनापति था, उसने सत्ता के लालच में बृहदत्त का कत्ल कर दिया। ये बात कहीं तक मानी जा सकती है, लेकिन सत्ता के लिए बृहदत्त का कत्ल नहीं हुआ था, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। बृहदत्त का जो कत्ल हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट मौर्य शासन काल के अंतिम सम्राट का जो कत्ल हुआ था, वो सत्ता हासिल करने के लिए, राजपाट हासिल करने के लिए नहीं हुआ था। उसके सबूत क्या है? उसके सबूत यह है कि पहले जो कत्ल हुए थे तो राजा बदल जाता था, लेकिन प्रजा के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी।
प्रजा वैसी की वैसी रहती थी, सिर्फ चेहरे बदल जाते थे। लेकिन पुष्पमित्र सुंग ने विरयदत्त की हत्या करने के बाद पाटलिपुत्र छोड़कर जब साकेत नगरी अयोध्या में उसने अपनी राजधानी घोषित की, तो उसमें उसने सबसे पहला जो कानून पास किया, सबसे पहला जो राज्य आज्ञा जारी की, वो कौन सी की? उसने की जितने भी भिक्षु हैं, बुद्ध धम्म के प्रचारक हैं, जो श्रवण संस्कृति के जन्मदाता हैं, इनका कत्ल कर दो। एक भिक्षु का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने की मुद्रा इनाम घोषित कर दी गई। इसका मतलब पुष्पमित्र सुंग का सत्ता के लिए लालच नहीं था, उसका पुण्य जिस संस्कृति को नष्ट करके तथागत गौतम बुद्ध ने श्रवण संस्कृति का साम्राज्य कायम किया था, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए पुष्पमित्र सुंग ने विरयदत्त की हत्या की। और नतीजा भी वही हुआ कि सारे भिक्षु या तो भारत से पलायन करके जापान चले गए, चीन चले गए, श्रीलंका चले गए, म्यांमार चले गए, बर्मा चले गए, या तो वो कत्ल कर दिए गए, वो खत्म कर दिए गए, और बौद्ध धर्म प्राय शून्य घोषित भारत में कर दिया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो झगड़ा चल रहा है, आज भी वह झगड़ा बड़े पैमाने पे संस्कृतियों का है। मैं कांशीराम साहब का चेला हूं, कांशीराम साहब मेरे गुरु हैं, मैंने हजारों बार उनको सुना है। वो कहते थे मेरा जो आंदोलन है वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। मैं साहू फूले, अंबेडकर, बिरसा, छत्रपति साहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, जो 150 से ज्यादा संत गुरु समाज में पैदा हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो महानायक पैदा हुए हैं, मैं उन महानायकों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूं। एक बार पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम जी, जब आपका काम, आपका आंदोलन सामाजिक परिवर्तन है, तो आप राजनीति में भाग क्यों लेते हो? आप ये क्यों कहते हो कि मैं बहुजन समाज को सत्ता देना चाहता हूं, उन्हें हुक्मरान बनाना चाहता हूं? तो कांशीराम जी ने क्या जवाब दिया? माननीय कांशीराम साहब ने जवाब दिया कि सत्ता एक सशक्त शस्त्र है, यह माध्यम है। सत्ता माध्यम है, सत्ता मकसद नहीं है। और यह इतनी ताकतवर माध्यम है कि जिसके हाथ में होती है वो बहुत जल्दी अपने मकसद को पूरा, अपने मिशन को पूरा कर लेता है। इसलिए मैं बाह्य सत्ता, सत्ता में होते हुए सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता हूं। कैसा परिवर्तन? माननीय कांशीराम साहब ने कहे, मुझे अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना है। अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना है, अर्थात बुद्ध का शासन, बुद्धा शासन मुझे पुनः लाना है। तो ये बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी। अब बात आती है हिंदू राष्ट्र। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, क्या कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने? उससे पहले मैं एक घटना आपके बीच में याद दिला देता हूं। आज से 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो एक मंच बना था। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जो सही परिस्थितियां हैं उस पे चर्चा कर रहा हूं। तो उसपे 4 लोग थे उस मंच पर, श्री मोहन भागवत, श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। मैं श्री मोहन भागवत जी की भाषण का एक लाइन, जो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना टीवी पे,
उन्होंने कहा आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। अब दुनिया देख रही थी टीवी पे, जो दुनिया टीवी पे देख रही थी उसका मतलब तो राम मंदिर का शिलान्यास ही हुआ था। आगे की लाइन मोहन भागवत क्या कहते हैं, आगे की लाइन मोहन भागवत कहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है, हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा वो दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। हिंदू राष्ट्र में एसटी ओबीसी और एससी का कोई स्थान नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा होती है लोकतंत्र ना होना। लोकतंत्र नहीं होगा, एक राजा होगा, एक राजा की मोनोपोली होगी और वो एक तंत्र राज्य स्थापित करेगा और वही राज्य कभी हमें बराबरी का अधिकार नहीं देगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्गों की बात आती है, आज पार्लियामेंट की जो स्थिति है 131 सांसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बैठे हैं, वहां 84 सांसद रिजर्व सीट से एससी के हैं, दलित समाज के हैं, 47 सांसद शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी समाज के हैं और 150 से ज्यादा सांसद ओबीसी के हैं। मुझे लगता है 300 के पौने 300 के लगभग संख्या एससी एसटी ओबीसी की वहां पर आज है। लेकिन एक घटना आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी, ओबीसी के 320 बच्चों ने, लड़कों ने आईएएस का कंपटीशन पास कर लिया, 320 बच्चों ने आईएएस का कंपटीशन पास कर लिया, सूची में जारी हो गई, उनको जॉइनिंग मिलनी थी, केवल उनको जॉइनिंग मिलनी थी, ट्रेनिंग पे जाना था और उनको क्रिमिलियर घोषित करके 320 पिछड़े वर्गों के ओबीसी के बच्चों को इस देश का कलेक्टर बनने से रोकने का काम इस षड्यंत्र ने किया। बताइए 320 लड़के अगर आईएएस बनते, 320 लड़के अगर आईएएस बनते तो हमारे 320 कलेक्टरों में वो कलेक्टर होते तो आधे भारत में हमारे ओबीसी के बेटे कलेक्टर होते। उनको रोका गया। दो सिस्टम चल रहे हैं, एक लेटरल सिस्टम चल रहा है, लेटरल सिस्टम यानी ऊपर से ही बिना सिविल सर्विस की परीक्षा लिए ही आईएएस बनाए जा रहे हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में सचिव बनाया जा रहा है। और एक नीचे से सिस्टम चल रहा है, वो है संविदा, संविदा पे उनको भर्ती की जा रही है और दोनों ही सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं है, ना तो ओबीसी का रिजर्वेशन है, ना एससी का रिजर्वेशन है, ना एसटी का रिजर्वेशन है। और बाकी बड़े बड़े जो हमारे संस्थाएं हैं देश की, उनका निजीकरण किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उनका निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण में भी रिजर्वेशन नहीं है। अर्थात ये आप मानकर चलिए पिछड़ी जातियों के यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 20 वर्षों के बाद कलेक्टर एसपी तो भूल जाइए, आपको चपरासी भी ढूंढने से कहीं नजर नहीं आएगा। यह सिस्टम चल रहा है, मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है लेकिन यह सच्चाई है, यह आईना है जो मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। तो आज हमको जागरूक होना होगा, आज हमको पिछड़े वर्गों को जगाना होगा। हमें धर्म से कोई किसी का गिला नहीं है, जिसको जो धर्म पसंद है वो स्वीकार करिए, जिस भगवान में आपकी आस्था है उस भगवान को मानिए, लेकिन संविधान जो आपको अधिकार देता है
उसके लिए आपको सड़कों पे निकलना होगा। बिना सड़कों पे निकले आप अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ का नहीं है। बुद्ध के 500 वर्ष बाद तक दुनिया में कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, 500 वर्ष बाद बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो बुद्ध का धर्म अगर समझना है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा है, बुद्ध और उनका धर्म। बुद्ध और उनका धर्म आप पढ़िए। जब आप बुद्ध और उनका धर्म पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो बुद्ध का धर्म है वो है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था, यह बुद्ध का धर्म है। और यही हमारे भारत की संविधान की मूल आत्मा है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी यही है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं अपने साथियों से, आयोजक साथियों से, आप सभी साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि हम लोग वर्ण व्यवस्था को खत्म करें, हम जाति व्यवस्था को खत्म करें, हम वैनवस्था को खत्म करें, हम आपस में भाईचारा पैदा करें और इस भारत को अखंड भारत बनाएं। ऐसा भारत बनाएं जैसा अशोक सम्राट का भारत था। समूचा जम्मू द्वीप जिसमें जाति के नाम पर ना कोई बड़ा होगा, ना जाति के नाम पर कोई छोटा होगा, जाति के नाम पर ना किसी का सम्मान होगा और जाति के नाम पर ना किसी का अपमान होगा। तो ऐसा भारत हम साहू फुले अंबेडकर की औलाद ही बना सकते हैं, दूसरे लोग ऐसा भारत नहीं बना सकते हैं। हम वाकई ही संत रविदास की, संत कबीर की, बिरसा मुंडा की औलादे हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है, हमको बनाना होगा। और बुद्ध का धम्म जाति खत्म कर सकता है, क्योंकि जिस दिन आप बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले लेंगे, जिस दिन आप बुद्धिस्ट हो जाएंगे, उस दिन ना आप ओबीसी रहेंगे, ना एससी रहेंगे, ना एसटी रहेंगे, उस दिन एक मानव हो जाएंगे, एक इंसान हो जाएंगे, जातियां खत्म हो जाएंगी। ये निवेदन करते हुए और जिन साथियों ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, और अपने राजेश्वर साहब का भी जिन्होंने एक बुद्ध विहार का, भव्य बुद्ध विहार का निर्माण किया है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। यदि हम अपने नाती बेटों को चाहते हैं कि हमारे नाती बेटे भी हमारी तरह इज्जत की जिंदगी जिए, सम्मान की जिंदगी जिए, तो हमें लोकतंत्र को भी बचाना होगा, हमें संविधान को भी बचाना होगा। दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ और आज आप जो सुन पा रहे हैं, ये ताकत किसने दी है? मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप जो सुन पा रहे हैं, ये ताकत किसने दी है? ये संविधान ने दी है, और ये संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र और स्वतंत्रता कायम रहेगी। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। किसी का साइकिल यहाँ से भुला गया, पता है मानवाल धम प्रकाश, बहुत भारती जी का, जिनकी बातों को आपने गंभीरता से सुना। हमारे बीच